कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल संतोष संपत्रा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि टॉपिक लाया गया है सेमी कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ये टॉपिक है सेमी कंडक्टर जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो इसमें अर्धचालक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं, उसके कुछ बेसिक्स जो होते हैं, वो वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, होल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है। अच्छा, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। भैया देखिए, क्वेश्चन इसमें जो आते हैं वो आपसे पूछा था कि सेमीकंडक्टर में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें होल का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर, इन सब में क्या रिलेशन होता है, 2021 टीजीटी के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज ये पूछता है जो फर्मी लेवल होता है वो पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर में किधर होता है, या अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें किधर होता है, या पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, ट्राइवेलेंट मिलाई जाती है उसके एलिमेंट दे दिए जाते हैं, या पेंटावेलेंट मिलाया जाता है उसके एलिमेंट दे जाते हैं। या आपसे क्वेश्चन पीजीटी में पूछेगा कि अगर मैं फॉरवर्ड बायस में करता हूं तो जो पी टाइप एन टाइप मटेरियल से पीएन जंक्शन डायोड बनता है उसके बीच में डिप्लेशन लेयर बनता है जिसको हम कहते हैं अवक्षय परत, तो उसका क्या होता है, वो बढ़ता है या घटता है। दूसरा चीज, जो डिप्लेशन लेयर बनता है उसमें होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते कि नहीं करते, क्या वो चार्ज होते या उसमें आयन्स होता है, या वो किस फॉर्म में होते हैं, ये सारी चीजें आपसे जानकारी ली जाती है। और इसके बाद सेमीकंडक्टर में तमाम आता है फोटो डायोड, आपका कई डायोड बनाएंगे, इसको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के कई क्वेश्चंस पे पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, शुरुआत आपकी सेमीकंडक्टर से स्टार्ट हो रही है। तो सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, नाम से स्पष्ट है। अर्धचालक का मतलब क्या है, इसकी कंडक्टिविटी या चालकता जो है वो चालक और कुचालक दोनों के बीच में होगा। चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, कुचालक को हम कहते हैं इंसुलेटर। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होगा, लेकिन जो चालक है, प्योर चालक है, कंडक्टर है, उससे कम होगा, ठीक है। तो यही सेमीकंडक्टर होता है। अब इस सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म है, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये बेसिक टर्म्स है, आप इनको जानेंगे तभी चीजों को आगे समझ पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म आपका ये आता है इनर्जी बैंड। व्हाट इज इनर्जी बैंड? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनर्जी बैंड होता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे काम करता ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आपका इनर्जी बैंड होता है या ये होता है, इट इज बेस्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली अपमार्जक सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इसमें जो चीजें बताई जाती हैं वो दो तीन चीजें बताई जाती हैं कि पहला इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। भैया वैलेंस बैंड होता क्या है, जैसे आपने देखा है कोई सेमीकंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, तो एक बैंड यहां पे ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एक बैंड हमारा यहां पे होता है, ये होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड हमारा जो होता है वो हाई एनर्जी का बैंड होता है, और इसमें जीरो केल्विन पर इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से भरे होते हैं या थोड़ा बहुत खाली रहता है। वैद्युत क्षेत्र में ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे होते हैं, ठीक, और ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये या तो ये पूरे भरे होते हैं या थोड़ा बहुत इसमें खाली होते हैं, ठीक है। ये हाई एनर्जी के बैंड होते हैं,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इनका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वैलेंस बैंड के बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश में लिखे, आप अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो इंग्लिश में इसका नोट्स लिख लीजिए। वैलेंस बैंड क्या होता है? इट इज हाई एनर्जी बैंड, यह एक उच्च ऊर्जा का बैंड होता है। इट इज हाई एनर्जी बैंड, यह एक उच्च ऊर्जा का बैंड होता है। एट जीरो केल्विन दिस बैंड इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। जीरो केल्विन पर यह बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। इन दिस देयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दिस देयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण नहीं करते तथा वैद्युत क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण नहीं करते। इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट एब्जॉर्व एनर्जी, ठीक है। तो मतलब वैलेंस बैंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वैलेंस बैंड होता है, ये हाई एनर्जी का बैंड होता है। लेकिन इसमें जो होता है इसमें भी एक कंडीशन है, यहां पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहां पे इसकी एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है। कंडक्शन बैंड में यहां पे इसकी एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है, यहां पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो वैलेंस बैंड मैक्सिमम एनर्जी का एक बैंड होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि कंडक्शन बैंड क्या होता है, भैया देखो कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये वैलेंस बैंड से उच्च ऊर्जा का एक बैंड होता है, ठीक है, जो कि कुछ एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप के डिस्टेंस पे होता है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। फॉरबिडन गैप भी अलग अलग मटेरियल के लिए चेंज होता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, दोनों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जल्दी हम मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप ही है, ठीक है। तो जब होता क्या है, जब हम यहां से टेम्परेचर देते हैं तो यहां से टेम्परेचर देते हैं तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जम करके इसमें आता है। तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड क्या होता है, हाई एनर्जी का बैंड होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ऊर्जा को जो है अवशोषित करते हैं, ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कंडक्शन बैंड के बारे में सिंपल जानकारी इतनी होगी, आगे तो सेमीकंडक्टर में ढेर सारा चीज पढ़ना है। ये क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, वैलेंस बैंड से उच्च ऊर्जा का बैंड होता है। देखिए वैलेंस बैंड से उच्च ऊर्जा का बैंड है, इसमें जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन से देते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके जंप करके इसमें आते हैं, तो जब इसमें आते हैं तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यही करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट लिख लीजिए, कंडक्शन बैंड इज हाई एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड इज हाई एनर्जी बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से उच्च ऊर्जा का बैंड होता है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से उच्च ऊर्जा का बैंड होता है। इसलिए आप लोगों ने आगे लिखे, इन दिस इलेक्ट्रॉन बी फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। इन दिस द इलेक्ट्रॉन बी फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एब्जॉर्ब एनर्जी, वैद्युत क्षेत्र में ये ऊर्जा का ग्रहण करते हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि भैया वैलेंस बैंड में हमारा जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा होता है, जबकि कंडक्शन बैंड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये जो होता है कंडक्शन करंट में मेजर भूमिका इसका होता है, बड़ी भूमिका इसकी होती है। दूसरा चीज आपका आ गया फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी गैप। भैया देखिए फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप ये जान लीजिए कि ये क्या होता है। ये जो वैलेंस बैंड मैक्सिमम वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी होती है और कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी होती है, इसके बीच की जो एनर्जी का गैप होता है वो आपका कहलाता है एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ईजी। और सेमीकंडक्टर के लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो आप समझ रहे ना, ये कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल, इसके बीच का ये जो गैप होता है इसी को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, इसका मतलब इनकी एनर्जी जो होती है, अगर मैं इनको देखूं यहाँ पे फॉरबिडन या एनर्जी गैप की बात करूं, तो फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप भैया जो हो जाएगा वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी हो जाती है। ठीक है, कंडक्शन बैंड मिनिमम वैल्यू और वैलेंस बैंड के मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो आपकी एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप का वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जो एनर्जी गैप होता है, जो फॉरबिडन गैप होता है, वो जो मटेरियल है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, जिस प्रकार का मटेरियल है उसी प्रकार का एनर्जी गैप बनता है। जैसा आपने देखा होगा सिलिकॉन के लिए अलग बनता है, अलग बनाता है एनर्जी गैप, और जर्मेनियम के लिए आपका एनर्जी गैप अलग बनाता है। ठीक है, प्लस पी टाइप और एन टाइप के अलावा भी जो अलग से बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें भी आपका अलग बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि एनर्जी गैप के लिए जो होता है, यहाँ पे अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ा दें तो एनर्जी गैप जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन गैप होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी गैप डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब ताप बढ़ाने पर जो इनके बीच के एनर्जी गैप होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं होल इन सेमीकंडक्टर में, या सेमीकंडक्टर में होल क्या होता है। तो मैं होल की बात कर रहा हूं कि सेमीकंडक्टर में होल क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने ये पढ़ा कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है। अब मुझे यहां पे पढ़ना है होल्स क्या होता है। तो भैया देखो होल होता क्या है, जैसे आपका, फिर से हम पिक्चर बना रहा हूं मैं, ये आपका जैसे वैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सहसंयोग बंध में बंधे होते हैं, माने ये सब जो इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे होते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 केल्विन से ऊपर, तो जब हम 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलता है। जब एनर्जी मिलता है तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है कोवेलेंट बॉन्ड में वो ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके इस फॉरबिडन गैप में जितनी एनर्जी होनी चाहिए जंप करके इसमें आने के लिए, उससे ज्यादा जैसे एनर्जी इसको मिलता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से जंप करके यहां आ जाता है, और जब जंप करके यहां आ जाता है तो यहां आकर के फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, मतलब यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया
और यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया ये फ्री हो गया। ठीक है, और फ्री हो गया और ये मूवेबल हो गया, ये माने गति करने योग्य हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, ये गति करेगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगा, यहां से जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगा। जैसे आप लोग चेयर पे बैठे, आप अपनी चेयर से उठ करके दूसरी जगह चाहिए तो जगह खाली हो जाता है, तो जो जगह खाली हो जाता है उसी को बोला ये रिक्त जगह है, या उसी को होल नाम दे दिया गया है। ठीक है, जब होल नाम दे दिया गया है तो अब ये कहा जाता है कि होल, उसी को होल नाम दिया गया जो जगह खाली होता है, और ये कहा जाता है कि होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, होल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, होल जो होता है वो मूवेबल होता है, इसका मतलब ये होल जो है इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा। तीसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि होल की जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, मोबिलिटी ऑफ होल बी लेस देन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका जो इफेक्टिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। द इफेक्टिव मास ऑफ होल बी मोर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, जो होल की गतिशीलता होता है वो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होता है, लेकिन इसका आवेश लगभग मान लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो होल यही क्रिएट हुआ जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके गए उनका जो रिक्त स्थान था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और ये जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से बताई जा रही है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब दूसरी चीज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो भैया ये प्रैक्टिकली ये कोई पॉजिटिवली स्ट्रेबली चार्ज नहीं है, एक आभासी चार्ज है जिसका हमें आभास हुआ है कि ये रिक्त जगह हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा कोई चीज है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकली इमेजिनरी चार्ज है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन ये माना गया है कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका, तो इस तरह से होल की कहानी कंप्लीट हो गई सेमीकंडक्टर में। अब होल के लिए आगे की चर्चा होती है सेमीकंडक्टर में, और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आप ये फिगर बना लीजिएगा, इसके बाद स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखे। जीरो केल्विन से ऊपर ताप बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एबव जीरो केल्विन, जीरो केल्विन से ऊपर ताप बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एबव जीरो केल्विन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, सहसंयोजक बंध टूटता है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ऊर्जा प्राप्त होता है। And it jump in conduction band, और ये jump करके conduction band में आ जाते हैं। In conduction band it is called free electron. Conduction band भी है, free electron कहलाते हैं। Therefore the vacancy created in valence band, which is called hole. इस तरह से वैलेंस बैंड में उनकी जगह एक रिक्त स्थान खाली हो जाता है जिसको हम होल करते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसा मान लिया जाता है। इट्स चार्ज बी इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान लिया जाता है। एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल बी मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान से ज्यादा होता है। व्हाइल मोबिलिटी ऑफ होल बी लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता से कम होता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि भाई एक कंडक्टर होता है, एक नॉन कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है,
इन सब में क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है, इनमें एनर्जी गैप कैसे होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ये कैसे फॉलो करते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक को कैसे फॉलो करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसमें क्या क्या होता है, तो ये सारा चीज मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं। आइए देखते हैं टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसका क्या चीज होता है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया ये कंडक्टर जिसको हम कहते हैं चालक, ये होता है आपका इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं कुचालक, और आपका ये होता है सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। तो भैया अगर ये देखा जाए कि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, चालकता किसमें सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब किसमें करंट सबसे ज्यादा इजिली फ्लो कर सकता है, तो आप ये जानते हैं कि कुचालक में क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपका देखा हुआ है कि इसपे जो होता है कंडक्टिविटी जो होता है वो सबसे कम है। कंडक्टिविटी का यूनिट होता है महो महो अपॉन मीटर, ठीक है, या ओम इनवर्स, ठीक है, अपॉन मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोलते हैं, बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, तो ओम को आप ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका जो दिखा रहा है ये महो को दिखा रहा है। ठीक है, तो इनका 10^-8 माने इसकी कंडक्टिविटी और देख रहे हैं बहुत कम है, सबसे कम है। इसके बाद क्या होता है, कुचालक में करंट बहुत कम फ्लो करता है इसलिए उसकी चालकता बहुत कम होती है। इसके बाद अर्धचालक में थोड़ी बहुत चालकता आ जाती है, कैसे आती है, या तो हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं या हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए इनकी जो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी है ये इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा है, वो 10^-5 आप बोल सकते हैं, 10^0 भी बोल सकते हैं, 1 mH/m होता है, जो कि कंडक्टर से थोड़ा बहुत कम होता है। और कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10^2 to 10^8 mH/m होता है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, चालक की, उसके बाद अर्धचालक की, और सबसे कम किसकी होती है, कुचालक की। ठीक है, चालकता सबसे अधिक चालक का होता है, फिर अर्धचालक का, फिर कुचालक का। दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, बैंड देखते हैं। तो भैया देखो कंडक्टर में जो बैंड होता है ना, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते रहते हैं, उनके बीच एनर्जी गैप रहता ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका बैंड गैप जो होता है वो आपका कंडक्टर का दिख रहा है। जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां पहुंच ही नहीं पाता है कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जब नहीं पहुंचता तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता, इसलिए कंडक्शन करंट में रोल नहीं होता इसका। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। अगर हम डायमंड देखें तो डायमंड के लिए लगभग 6 eV की एनर्जी गैप होती है। ठीक है, लेकिन मैं अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो वहां कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप कम होता है। ठीक है, जैसा कि ये हुआ। और अगर मैं ये बात करूं कि इसमें एनर्जी गैप किसका कितना होता है, तो भैया कंडक्शन बैंड में तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है इसलिए इसमें एनर्जी गैप 0 होता है, लेकिन इंसुलेटर में करंट ही नहीं फ्लो करता, इसका मतलब वहां एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। और डायमंड के लिए इनका एनर्जी गैप कितना होता है, 6 eV होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार, पीजीटी और टीजीटी में भी पूछा गया, कई अच्छे एग्जाम में भी पूछा गया है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का एनर्जी गैप या बैंड गैप एनर्जी कितनी होती है। इसको आप याद कर लीजिए, जर्मेनियम का 0.7 eV होता है और सिलिकॉन का 1.1 eV होता है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का कई बार एग्जाम में पूछा गया एनर्जी गैप कितना होता है, तो आपको याद रखना है जर्मेनियम की जो बैंड गैप एनर्जी है, फॉर्मिडेन एनर्जी गैप है, वो 0.7 है और सिलिकॉन का 1.1 eV है। ये आपको ध्यान देना है, आया हुआ है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा चीज, अगर ये कहा जाता है कि करंट कैरियर, तो भैया करंट कैरियर क्या होता है, धारा वाहक किसमें क्या होता है, तो जाके जाए इसी बात है, हम जानते हैं कि अगर आपका ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो करंट कैरियर जो होता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, माने चालक में जो करंट कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इंसुलेटर में करंट ही नहीं बहेगा तो करंट कैरियर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सेमी कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है, या तो वहां पे इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होगा मेजोरिटी, या तो होल होगा। जैसे कि आप जानते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर है, तो एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर है, इसमें वहां पे मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी कैरियर होल हो जाता है। लेकिन जब हम पी टाइप की बात करेंगे, पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर की बात करेंगे, तो पी में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, होल होता है,
होल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होता है। इसका मतलब सेमी कंडक्टर जो करंट कैरियर होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होल होगा, ठीक है, जो कि आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरा चीज, ये पीजीटी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। भैया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पीजीटी में आया है वो क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। तो भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो पॉजिटिव होता है, है ना। माने ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, इसका मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध ताप गुणांक इनका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर में ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। और सेमी कंडक्टर में नेगेटिव होता है, आपका ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आप ये जान लीजिए जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ सेमी कंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, पीजीटी में पूछा हुआ है, जिसको मैं लाल लाल पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, एकदम वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ये कहा जाए कि कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर के लिए, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है, ये भी पूछा गया है। जबकि इंसुलेटर में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, जब हम सेमी कंडक्टर में आएंगे तो हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस के, तो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो इतना चीज यहाँ पे है। दूसरा चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, तो भैया मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो 10^29 होता है पर मीटर क्यूब, है ना। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो 10^29 पर मीटर क्यूब होता है, और इसकी तो कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें होता है, जर्मेनियम का होगा, सिलिकॉन का होगा। तो जर्मेनियम का होता है 10^19 पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और सिलिकॉन का जो होता है 10^16 पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेमीकंडक्टर। माने 1 मीटर क्यूब के आयतन में जर्मेनियम के लिए 10^19 का घनत्व होगा इलेक्ट्रॉन का सेमीकंडक्टर में, और सिलिकॉन के लिए 10^16 का घनत्व होता है, जबकि चालक में 10^29 का होता है। तो ये सारे आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए, एग्जाम के पर्पज से ये सब चीजें आते हैं, आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का कितना होता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन तो एग्जाम में आए ही आए हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब मैं सेमीकंडक्टर पे आगे बढ़ूंगा, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पे आता हूँ कि एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, या इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी को बोलते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, माने कोई अशुद्धियां नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या बराबर होती है। यही टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2021 में पूछा गया है कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों नंबर्स बराबर होते हैं, ठीक है। पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिप्लेशन लेयर पे क्या फर्क पड़ता है, या डिप्लेशन लेयर में कौन होते हैं, आयन्स होते हैं कि चार्ज होता है, या वो रेस्ट में होते हैं कि मोशन में होते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीज के लिए आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी।